क्या हो रहा है इधर? ये क्या हो रहा है? ये चार आदमी थे जो चुपके से छावनी के अंदर शामिल हो गए थे। तीन भाग गए हैं, एक को पकड़ लिया है। खामोश, मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ। लुटेरे हो? खुदा लानत करे जहाक के भेजे हुए लुटेरों पर। कल तक अब मोहम्मद के नाम से लूट रहे थे, कत्ल कर रहे थे, अगवा कर रहे थे, और अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लश्कर पे हमला करते हैं। इसको छावनी की तरफ ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। ले जाओ इसे, ले जाओ, उड़ा दो इसकी गर्दन। किसने तुम्हें हुक्म देने की इजाजत दी है? लुटेरे हैं, मैं इनको जानता हूं। जहाक ने इन्हें भेजा है, मेरा इनके साथ सामना हो चुका है। किसी को कत्ल किया है? नहीं सरदार, इसको मौका नहीं मिला। इसको आजाद कर दो। सरदार, नहीं सुना मैंने क्या कहा? इसको आजाद कर दो, जुर्म से पहले सजा नहीं होगी। जाओ अपने खेमों में जाके सो जाओ, चलो जाओ। सरदार, हम जंग में हैं, वो लुटेरा है। कुछ देर और इंतजार कर लेते तो वो इतराफ कर देता, मुझे यकीन है। मैं जानता हूं कि वो लुटेरा है। फिर भी आपने उसे आजाद कर दिया? इसलिए कि तुमने उसके कत्ल का हुक्म दिया था। अगर मैं पहले पहुंच जाता तो बेशक उसकी गर्दन उड़ा देता। क्या हुआ हर्ब? कुछ नहीं। उसने नहीं बताया कि लुटेरे को क्यों आजाद किया? बताया। बताया? उसने कहा अगर मैं पहले पहुंच जाता तो यकीनन उसकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन चूंकि तुम। वाकया ऐसा कहा? हाँ। क्या तुम ये समझते हो कि ऐसा खुदगर्ज और खुदख्वाह शख्स हसन इब्ने अली के लश्कर का सरदार हो सकता है? क्या बताऊं? जो आज मैंने इस शख्स में देखा है उसने वाकई मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया है। सियासत नहीं जानता है, मगरूर हो गया है और हुक्म ऐसे चलाता है जैसे इबलीस का हुक्म हो। कैसे सिफीन में था और अली मुर्तजा के साथ तलवार चलाई? खवारिज भी तो सिफीन में थे। ठीक कहते हो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। नहीं अहमद, भूल जाओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई, अब रहने दो। हमें उसकी बात माननी चाहिए, वो लश्कर का सरदार है। शायद उसकी बात ठीक हो, शायद हमने जल्दबाजी से काम लिया हो, शायद मुझे उसकी इजाजत के बगैर हुक्म नहीं देना चाहिए था। हमें उसकी लियाकत के बारे में शक नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं उस पर शक ना करूं, लेकिन ना मैं लश्कर में हूं ना उसने मुझे हुक्म दिया है जो मैं उसकी इताअत करूं। मैं सुबह छावनी छोड़ दूंगा और इब्ने अब्बास के पास चला जाऊंगा। यकीन रखो, जो कुछ इस शख्स के बारे में देखा और सुना है इब्ने अब्बास को
सब कुछ बता दूंगा। हिलना मत वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। क्या कर रहे हो सरदार? मेरा इरादा बुरा नहीं है। मुझे सच बता, तू कौन है और मेरे खेमे में क्या कर रहा है? मैं सिर्फ देखने आया था कि वो अमानत आप तक पहुंचती है या नहीं। तो वो थैली तुमने लटकाई थी? जी। क्यों? हमसे कहा गया था। किसने कहा था? जो तुम्हें बुलवाना चाहता है। मुझे बुलवाना चाहता है? कौन मुझे बुलवाना चाहता है? मुआविया इब्न अबी सुफयान। तो तू जासूस है? जी सरदार। शाम के लश्कर से? जी सरदार। वो मलून हिंदा की औलाद सोचता है एक थैली सोने के सिक्के से मुझे खरीद लेगा? नहीं सरदार, एक थैली से नहीं। वो देखे सरदार, बाकी वहां है। ये सब तुम्हारा है सरदार, सब तुम्हारा। आओ सरदार, अजाने सुबह में ज्यादा देर नहीं, सिपाही नमाज के लिए उठने वाले हैं। जल्दी करो सरदार, आओ। बस यही सरदार? ये थोड़ा सा तोहफा अमीर की तरफ से है, बाकी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। बदबخت समझता है बेअर्जिश चंद सोने के सिक्कों से मुझे खरीद लेगा। हिंदा की औलाद समझती है कि मेरे दिल और जान में शैतानी रखना डाल दे और मेरी रूह को धोखा दे दे। मैंने तुझे कत्ल नहीं किया, मैंने अपने नफ्से अम्मारा को कत्ल किया है। मैंने अपने बातिनी शैतान के सीने में खंजर भोंक दिया है। ये मेरा जिहाद अकबर था, वो खंजर जो तेरे सीने में उतरा। तू समझता है मुझे वसवसे में डालना कोई मामूली काम है? मैंने सिफीन में तलवार चलाई, अली मुर्तजा के साथ साथ जंग की और दसियों लोगों को वासिले जहन्नम किया, और अब चंद सिक्कों की खातिर मैं अपना ईमान बेच दूं और रसूल खुदा के बेटे को तन्हा छोड़ दूं? देखो इन सिक्कों को, देखो। शिकारी ने दाने डाले ताकि मेरी जैसी मुर्गी का शिकार करे। मेरी जैसी मुर्गी। लेकिन मैं ऐसी मुर्गी हूं कि दाने भी उठा लूंगी और उनके जाल में भी नहीं आऊंगी।
हार। हाँ क्या हुआ? मुझको नहीं मालूम, खुद आके देखो। तुम्हें यकीन है वो छावनी से अकेला बाहर गया है? हाँ, वो खेमे से निकला और तेजी से चलने लगा। मैंने कहा, सरदार कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, दूर हो जाओ, मेरे करीब मत आओ। दौड़ता हुआ सिपाहियों में से निकल गया और शहर के अंधेरे में गुम हो गया। उसकी कोई निशानी भी तो नहीं, अब क्या करें? इससे आगे भी तो हम नहीं जा सकते। दमिश्क का लश्कर इसी पहाड़ के पीछे है, हो सकता है उनके सिपाहियों के साथ मुकाबला हो जाए। बेहतर है हम लोग वापस चलें, शायद वो छावनी के अंदर वापस आ गया हो। अहमद, वो देखो। हाँ वही है। वहां क्या कर रहे? पत्थरों को उठाता है, फिर कुछ ढूंढता है, नहीं मालूम क्या करना चाहता है। बेहतर है हम उसके पास चलें। चलो आओ चलें। उतर जाओ, तुम इधर ही रुको। मैं नहीं चाहता वो हमें देख ले, शायद कोई राज की बात हो। ओ देखो उधर। सरदार, वापस जाओ, चले जाओ, मेरे करीब मत आओ। क्या कर रहे हो सरदार? किस चीज की तलाश है? छावनी वापस चले जाओ, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। सरदार, आगे मत आना वरना तुम दोनों को वसीले जहन्नम कर दूंगा। पागल हो गए, गुस्से से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके आगे मत जाओ, आगे दुश्मनों का लश्कर है, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। तुम अपनी फिक्र करो, वापस जाओ। शैतान का तीर हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता। मैं अपना हक लेकर रहूंगा। मैंने सालों जंगें लड़ी हैं, तलवार चलाई है। इस ये क्या ढूंढ रहा है? नहीं मालूम, लेकिन जो भी वो ढूंढ रहा है उसे मिल रहा है। अब हम क्या करें? नहीं मालूम। मेरे करीब मत आना वरना तुम सबको हलाक कर दूंगा।
आप परेशान क्यों होते हैं? मैं आपको खुश आमदीद कहने के लिए आया हूं। अभी इसे पकड़ लेंगे। इस दीवाने ने सब कुछ खराब कर दिया। तलाइया के सरदार को जो पकड़ ले। सिक्का, वो देखो उधर। अब समझ आई वो क्या ढूंढ रहा था। हमने आपस में गुफ्तगू की थी और तय किया था, और तुमने वादा किया था कि जल्द ही 2000 सवार के साथ नुखेला में रहेंगे। हम इंतजार करते रहे लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं। क्या हुआ? क्यों अब तक खदम रकाब में नहीं रखा? शायद इससे बेहतर वक्त तुम्हारे बेटों की शादी के लिए नहीं था। कैस ताने मत, तो शादी सुन्नत रसूल खुदा है। तुम नहीं चाहोगे कि यह सुन्नत रोक दी जाए? मैंने रोकने को नहीं कहा है। अगर तुम कहोगे भी तो हम नहीं रोकेंगे। ये मत कहो कि हमने वादा वफा नहीं किया। हम कर नहीं सकते, ये हमारे बस से बाहर है। तुम खुद भी जानते हो कि फसल गुजर चुकी है, जमीन बोने का वक्त है। अगर ना जोते तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तनूरों में रोटी दिखाई नहीं देगी, माओं का दूध खुश्क हो जाएगा, बच्चे जुदा हो जाएंगे, लोग भूखे रह जाएंगे और बेमौत मर जाएंगे। बेमौत मरना रसूल खुदा के पैरों को नुकसान पहुंचाए तो क्या हसन इब्ने अली ऐसी मुसीबतों से राजी होंगे? मंजर, खुदा की कसम, तुम्हारी बातों से कौम बनी इसराइल की याद आती। कैस, तुम मेहमान हो, तुम्हारा एहतराम वाजिब, लेकिन अपनी हद से ज्यादा पाँव ना फैलाओ। तुम मुसलमानों को मुनकिर रसूल खुदा के बराबर समझते हो? ठीक है मंजर, ये आदमी कौन? इसकी शक्ल सूरत तो बदलियों में नहीं मिलती है, कूफियों से भी नहीं है, अहले दमिश्क है। दमिश्क से भेजा गया है, हिंदा के बेटे का पैगाम लेके। किस चीज से खरीदा है तुम्हारा ईमान? सोने के सिक्कों से। कितने सिक्कों में बेचा है फर्जंद रसूल खुदा की बैत को? मुंजर, तुमने कहा मैं मुसलमानों को मुनकर रसूल खुदा के बराबर समझता हूं,
नहीं, लेकिन झूठों, अहद शिकनों, आफियत तलबों और उनको जिन्होंने फर्जंदे अली मुर्तजा को माविया के मुकाबिल बेच डाला है, लायक है कि एक तलवार की वार से सफ़े हस्ती से मिटा डालूं। अगर ऐसा नहीं कर रहा हूं तो उसकी वजह हमारे आका ने इजाजत नहीं दी है। यहाँ क्यों बैठी हो? चलो अंदर। लोगों नुखेला पहुंचो, दुश्मन ने दीन को निशाना बनाया है, दुश्मन ने दीन को निशाना बनाया है। अगर जंग शुरू हो गई तो हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? नहीं मालूम क्या होगा। चलो उठो, चले। अयोहन्नास नुखेला जाओ, दुश्मन के हमले से गाफिल न रहो, गद्दार दुश्मन ने दीन इलाही को निशाना बनाया है। नुखेला जाओ और अपने अपने हथियार संभाल लो, खुदा के दुश्मन शामियों ने हमला कर दिया है। जाओ नुखेला जाओ, अयोहन्नास अपनी तलवारें उठा लो और नुखेला पहुंचो, दीने खुदा के दुश्मन ने तुम पर हमला कर दिया है। अयोहन्नास नुखेला पहुंचो, खुदा के दुश्मन शामियों ने तुम पर हमला कर दिया है। नुखेला पहुंचो और अपनी तलवारें उठा लो, ए लोगो अपने हथियार लेके नुखेला पहुंचो, दुश्मन खुदा ने तुम पर हमला कर दिया है। शामियों ने तुम्हारी सरजमीन पर हमला कर दिया है, अपने अपने हथियार उठा लो और दुश्मन के खिलाफ जिहाद करो। ए लोगो नुखेला पहुंचो, ए लोगो शामियों ने हमला कर दिया है, अपने अपने हथियार उठा लो और नुखेला पहुंचो, जल्दी करो नुखेला की तरफ पहुंचो। यहाँ क्या कर रहे हो? नुखेला नहीं के? हारिस, इन लोगों के साथ क्या किया जाए? अब समझो कि क्यों अली इब्न अबी तालिब ने इस गिरोह से नजात के लिए अपना सर कुएं में किया। हमें साफ साफ कहो, आप बुजुर्गों को हमसे क्या चाहिए? हम लोग हसन इब्न अली के लश्कर के साथ मुलाक हो जाएं या नहीं? नहीं होना है। अच्छा, तो मुलाक नहीं होना है। ये तो काफी है। अगर हसन इब्न अली के साथ शामिल होने का कहोगे, इसका 10 गुना भी दोगे तो कम है। क्या तुमने हसन इब्न अली के साथ बैत नहीं की थी? क्यों नहीं, सुलह में की थी, लेकिन जब जंग होगी सोने के सिक्कों की छनकार पे तलवार चलाएंगे। चलो अब चलते हैं, मामला खत्म हो गया। रुको, कोई मामला नहीं था, हम तो पहले से ही अबा मोहम्मद के लश्कर में मुलाक नहीं होना चाहते थे। अगर तुम राजी हो तो तुमसे मामला करते हैं। मामला? अब तुमसे कोई मामला हम नहीं करेंगे। मेरे पास ऐसी खबर है जो तुम्हारे लिए 10 सोने की थैलियां कीमत रखती है। क्या इस बयाबान में कोई खबर है जो खरीद फरोश के काबिल हो? चलो अगर तुम्हारे काबिल हो तो 5 थैलियां दे देना। पहले वो खबर सुनाओ।
अगर खबर अच्छी हो तो शायद मामला हो जाए। अगर मैं कहूं कि किंदी अबा मोहम्मद के हरावल दस्ते का सालार मुआविया से मुलाक हो गया है तो क्या कहोगे? हैं? झूठ बोल रहे हो? ओए मेहमान है, इज्जत और मकाम रखने वाले बुजुर्गों, झूठ हमारे लिए ऐब है। क्या ये सच है, किंदी मुआविया से मिल गया है? यकीन करो सच कह रहा हूँ। सलाम सर। सलाम। यही चंद लोग तेनीन और बनी शेबान के हैं जिन्होंने अबा मोहम्मद को लब्बैक कहा है और हमारे साथ हो गए। वैसे तो चंद और कबीलों ने वादा किया है लेकिन अक्सर ने बहाना किया है। किंदी भाग गया है। किंदी? हाँ, मुआविया से मुलाक हो गया है। चलो। ए, ए, ए,